दिव्यांग संघ की तरफ से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी मीडिया बंधु से कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगातार दो दिन से रांची में बारिश हो रही है और इस बारिश में कड़कड़ाती ठंड में ऊपर से बारिश में हम लोग बैठे हुए आज हमारा धरना का छठा दिन है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारे पास सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या किसी भी तरह का किसी ने नहीं आया। ये चीज़ मुझे दुखद खेद है और न ही प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा रांची किसी ने अभी तक हम लोगों से सूद नहीं लिया। ये भी बहुत दुखद बात है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे विकलांग समाज के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों की संख्या कितनी है झारखंड में? करीब हम लोगों की संख्या 10 लाख से 12 लाख के करीब है। तो यहाँ 10 लाख 12 लाख नहीं दिख रहे बात लोगों का अधिकार नहीं जी। इसके कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि विकलांगता में बहुत सी समस्याएं हैं और हर विकलांग आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब भी हम लोग बुलाते हैं हमारी संख्या बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल हमने 3 बार स्ट्राइक किया था, 3 दिसंबर को किया था जिसमें से मेरा 1000 का जनसंख्या था, 7 तारीख को फिर स्ट्राइक किया था 7 दिसंबर को पिछले साल 2022 को उसमें 5000 का, और जब विधानसभा का हमने घेराव किया था 2022 में 20 दिसंबर को वहाँ पे 10000 की जनसंख्या में थी जिसमें सरकार के पुलिसिया लाठी भी हम लोग खाएंगे। अलग से कुछ नहीं है, सरकार जो कही है जो वादा किया हमारे विकलांग भाई बहनों से हम वही सरकार अपने मैनिफेस्टो में बोली थी कि हमारा सरकार बनेगा तो हम विकलांग जनों को 1000 से बढ़ा करके 2500 पेंशन करेंगे। और हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे RPW में है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कानून में है। मैं उससे अलग नहीं मांग रहा हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधु हैं, आज आपका हाथ पैर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, आप खड़े हैं, कल अगर आप बूढ़े हो जाते हैं 60 के एज में आते हैं, अगर आपको बैंक जाना हो, आपको ब्लैक जाना हो या DC के पास जाना हो, अगर आपके पास रैम्प का व्यवस्था नहीं हो तो आप बताइए कैसे जाएंगे। ये समस्या सिर्फ हमसे नहीं है, सुगमता हर समाज के लिए ज़रूरत की चीज़ है। मैं अपने साथ साथ मैं आने वाले पीढ़ी चाहे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी मांग कर रहा हूँ इसके साथ साथ। ये बताइए कि आप लोगों ने लगातार आंदोलन किया, उस आंदोलन का स्वरूप जो है शिष्टमंडल में सरकार के प्रतिनिधियों से मिला, क्या कुछ वार्ता हुआ है जो फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है? पिछले बार हमें आश्वासन मिला था जोबा माझी जो मंत्री हैं हमारे, उनसे आश्वासन मिला था कि 3 महीने के अंदर आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। लेकिन 3 महीना जोबा माझी जी की तरफ से मिला था और हमने उन्हें 1 साल का समय दिया, लेकिन 1 साल के अंदर भी हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, नहीं विचार किया गया। इसलिए मुझे मजबूरन होकर के, विवश होकर के अपनी मांगों को लेकर के फिर से धरना पर आना पड़ा और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। समाज में जो गरीब पिछड़े हैं उनको हक को इस सरकार से पूरा कर पाएगा? विश्वास भरोसा जरूर है, अभी समय है सरकार को इनके मांग को पूरा करने के लिए। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आपका एक मंत्री है जो सर मंत्री है, तो क्या इन लोगों की मांगों को लेकर क्या मंत्री से मिलेंगे? मिलेंगे, मंत्री से भी मिलेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इनका मांग को पूरा करने का काम करेंगे। लगता है इन लोगों का हक मिल पाएगा? जरूर मिलेगा, जब इनका अधिकार है तो मांग मिलना मिलेगा भी, मिलना भी चाहिए। सबसे पहले इनका मांग पूरा होना चाहिए क्योंकि ये लोग दिव्यांग हैं, इनका जब मांग हम लोग नहीं दिलाएंगे तो और कौन लोग दिला सकते हैं? और जब अभी जो सरकार बनी है और ये मांग नहीं पूरा करती है तो कौन सरकार आके इनका मांग पूरा कर सकती है? हम लोग जरूर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब सरकार तो 4 साल से चल रही है तो पूरा नहीं हो पाया है, अब कैसे पूरा हो? तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को रखेंगे कि इनका मांग में विलंब क्यों हुई है, इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। जी गौरी शंकर यादव, एक समाज सेवी हूँ पूरे झारखंड के।